बेस वीडियोस को फाउंडेशन वीडियोस को देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी रहेगी चैप्टर 10 19th सेंचुरी एंड आफ्टर इवेंट्स ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरीज अफेक्टिंग द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैव बीन ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल एंड सोशल इंपॉर्टेंस इंग्लिश लैंग्वेज इतनी ज्यादा ग्रो कर रही थी एक्सपैंड हो रही थी बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन की पॉलिटिकल और सोशल इम्पोर्टेंस की लैंग्वेज बन गई बट इन इफेक्ट ऑन द लैंग्वेज लैंग्वेज दे हैव नॉट बीन रेवोल्यूशनरी पर जिस तरीके का इम्पैक्ट आना चाहिए था और लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए थी शायद उतनी स्ट्रांग नहीं हुई नाइनटीन सेंचुरी में कुछ ऐसे इवेंट्स थे पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज पर इम्पैक्ट किया उसमें से एक थी रशिया की क्रिमियन वॉर इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड एंड सेकेंड वॉर सी रिलेशनशिप विद इंडिया इंडिया में जो अपने पैर पसारने शुरू किए थे ब्रिटिश एम्पायर ने जो अपने आप को इस्टैब्लिश करना शुरू किया था और उसकी वजह से उन्हें पहचान भी मिली थी कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे इंडिया में जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट द रिविजन ऑफ द पीनल कोड एंड दुअर लॉस Restrictions placed on child labor and other industrial reforms. Kafi essay Actions Li the British Empire ki Jeski Vajune pechan Chan Mil thi and that too in a positive manner. These were the important factors in establishing English society on a more democratic basis. They lessened the distance between the upper and lower classes and greatly increased the opportunity for the mass of population. टू शेयर इन द इकोनमिक एंड कल्चरल एडवांटेज दैट बिकेम अवेलेबल इन दर्स ऑफ सेंचुरी तो बहुत से ऐसे व्यू पॉइंट थे वो जो लेकर आए थे जो कि लोअर क्लासेस को बहुत पसंद आ रहे थे ये एक और रीजन था उनकी पॉपुलरिटी का क्रिमियन वॉर की अगर बात करें तो एटीन फिफ्टी फोर से फिफ्टी सिक्स तक लड़ी गई एक वॉर थी बाई द अलायस ऑफ ब्रिटेन फ्रांस टुर्की एंड सीडानिया अगेंस्ट रशिया आन वी कैन से इट वॉज दी ऑनली मेजर यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट इन आर्मी एंगेज इन बिटवीन एटीन सिक्सटीन एंड नाइनटीन फोर्टीन नाइनटीन फोर्टीन के बाद से तो फिर वर्ल्ड वॉर ही शुरू हो गई थी अगर हम देखें तो एटीन सिक्सटीन से नाइनटीन फोर्टीन के बीच की बहुत ही एक मेजर इवेंट थी इतनी मेजर कि लॉर्ड टेनिसन ने इससे रिलेटेड एक पोइट्री भी लिखी थी द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड अगर कोई लैंग्वेज या एक पर्टिकुलर क्लान या कम्युनिटी के लोग कुछ खास इन्फ्लुएंस कर देते ना सोसाइटी को जैसे कि ब्रिटेन ने किया न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए पोस्टेज पोस्टेज स्टैम्प की शुरुआत की ट्रेवलिंग के मीन्स कम्युनिकेशन के मीन्स को इम्प्रूव किया बाय रेल रोड बाय स्टीम बोर्ड बाय टेलीग्राफ और इन सब का इफेक्ट रहा कि ब्रिटेन की स्पीच को एक स्टैंडर्ड स्पीच माना जाने लगा साइंस के फील्ड में धीरे धीरे इतनी प्रोग्रेस हुई कि नाउ वी केम टू नो अबाउट न्यूमरस अदर डिसीज एंड एलिमेंट एंड वी एक्वायर विदाउट नेम ऑफ एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन स्टीरियोटिपिन एंड होल फैमिली ऑफ सल्फा कंपाउंड्स कोलेस्ट्रॉल जो कि एक नया वर्ड था उन दिनों is now a part of everyone's vocabulary and there is an awareness that some fats are polyunsaturated is tarike ke words dheere 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 fashion mein aane lage specifically in the field of medicine ऑटोमोबाइल फिल्म ब्रॉडकास्टिंग कंप्यूटर इन सब फील्ड्स में बहुत से नए वर्ड्स आने लगे और कुछ पुराने वर्ड्स को नई स्पेशल सेंस में यूज किया जाने लगा एक, एक एग्जांपल है park. कोई ओल्ड uh, पर्सन जिसके पास कार नहीं है वो पार्क को ऐसा सोचता है लेकिन किसी को अगर कार का ऑप्शिशन है ड्राइविंग का है तो वो पार्क को इस तरीके से ट्रीट करेगा सो so, uh, पार्क फॉर दैट पर्सन इज लिविंग हिस्सा कार अलॉन्ग द साइड ऑफ अ स्ट्रीट और रोड और इन अ पार्किंग स्पेस यही सेम प्रिंसिपल और नए नए वर्ड्स फिल्म ब्रॉडकास्टिंग में भी हमें नज़र आने लगे 1899 के बाद से मोशन पिक्चर्स की शुरुआत हो गई थी और ऐसे सीन्स आने लगे स्क्रीन रील फिल्म सिनारियो प्रोजेक्टर क्लोज अप फेड आउट काफ़ी कॉमन है नया वर्ड है थ्री डी में डिजिटल कंप्यूटर्स बहुत पहले से ही हैं वर्ल्ड वॉर टू के टाइम से आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं घर घर में हैं फ्यू टर्म्स हैव बीन इन जनरल यूज सिंस देन एंड न्यू मीनिंग्स ऑफ प्रोग्राम प्रोग्राम का मतलब पहले कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग थोड़ी हुआ करता होगा एंड वेन यू वॉन्ट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इट यूज टू बी ऑनली जर्मन फ्रेंच इटालियन डिस और दैट बट अब सी प्लस प्लस जावा बहुत सारे अदर आस्पेक्ट्स में लैंग्वेज वर्ड को यूज़ किया जाता है मेमरी मेमरी वॉज नॉट दी कॉम्प्यूटर मेमरी अर्यर हार्डवेयर ये कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं जो कि अब कॉम्प्यूटर्स में यूज किए जाते हैं और मोड मॉडर्न वर्ड राम रोम डॉस का मतलब थोड़ी रहा होगा पहले जो कि अब है विंडो का मतलब और वायरस का मतलब ही वो नहीं रहा होगा जो कि कंप्यूटर के फील्ड में है वर्ल्ड वॉर्स भी बहुत पुरानी नहीं है पिछले सौ साल की ही बात है वी में ऑब्जर्व some of the words that came into English between 14 and 18 as a direct consequence of World War 1 Some of these were military terms जैसे कि uh, anti-aircraft gun, tank, blimp, warfare, gas mask. इस तरीके के कुछ words camouflage काफी popular word है आजकल जिसको कि French से borrow किया गया था तो बहुत सारे military significance के words popular होने शुरू हो गए.

फोकस शटर लाइट मीटर ऐसे वर्ड्स जो कि प्रीवियस सेंचुरीज में कभी सोचे भी नहीं गए होंगे नए वर्ड्स की प्रोग्रेस में बॉर्विंग्स का भी बहुत आता है इसलिए हो रही थी क्योंकि कॉलोनाइजेशन हो रहा था जहां पर भी ब्रिटिशर्स कॉलोनाइज करते थे वहां के वर्ड्स को भी अडॉप्ट करते ही थे एशिया इज रिप्रेजेंटेड बाय करमा करमा जो कि इंग्लिश में भी एज इट इज यूज किया जाता है लूट एंड ठग फ्राम इंडिया पायजाम ब्रिटिश पजामाज फ्राम पोशिया येन यांगचीन चाउमेन फ्राम चाइना आन केशु हाइकू नौ सेमराई सायोनारा शोगन स्यूशी सोय एंड येन फ्रॉम जापान ग्लोबलाइजेशन इतना हो रहा था कि नए नए वर्ड्स कल्चर में आ रहे थे सेल्फ एक्सप्लेनिंग कंपाउंड भी काफी कल्चर में आ रहे थे अकॉर्डिंग टू द न्यू ट्रेडिशन कंपाउंड की तो हम लोग ऑलरेडी बात करते ही रहते हैं लेकिन टेक्निकल प्रोग्रेसिव चेंजेस की वजह से कौन कौन से नए कंपाउंड आ रहे थे जैसे कि फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट पहले कभी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में यूज नहीं किया जाता था फायर एक्सटिंग्विशर हिच लाइक एंड सम ऑफ द मोर रिसेंट फॉर्मेशन दट कैन बी नोटेड स्काई डाइविंग जेट लैग हाउस लाइफ स्टाइल हैच बैग ग्रीन हाउस इफेक्ट एसे रोलर बहुत ही मॉडर्न है तो जैसे 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 टाइम मॉडर्न होता चला जाता है उसी के साथ ही सेल्फ एक्सप्लेनिंग कंपाउंड्स भी बढ़ते चले जाते हैं आज से आई थिंक फोर्टी इयर्स पहले लैपटॉप जैसा कोई वर्ड नहीं था लैपटॉप जो की अपने आप में एक कंपाउंड है और सेल्फ एक्सप्लेनिंग कंपाउंड है राइट right, तो जब जब भी टाइम चेंज होता है जब भी कल्चर चेंज होता है टेक्नोलॉजीज चेंज होती है उसी के हिसाब से इवन नॉट ओनली नॉर्मल वैकैबलरी बट कंपाउंड भी चेंज होते चले जाते हैं जैसे कि सीलिंग फैन है सीलिंग फैन वन से पाना टाइम होता ही नहीं होगा जब फैंस नहीं होते थे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो सीलिंग फैन जैसा कोई वर्ड नहीं होता था लेकिन उसके बाद सीलिंग फैन वर्ड कल्चर में आया एंड दैट इज वट वी कॉल द इम्प्रूवमेंट और फैशन ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनिंग कंपाउंड्स कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो ग्रीक और लैटिन एलिमेंट को कंबाइन करके बनाए जाने लगे क्योंकि ग्रीक और लैटिन का इम्पैक्ट तो हमेशा से ही रहा एक वर्ड जो हम बहुत कॉमन यूज करते हैं दैट इज पैनक्रोमेटिक जो कि ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है ऑल प्लस रिलेटिंग टू कलर सो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है एक ऐसी प्लेट के लिए जो कि सेंसिटिव होती है सभी कलर्स के लिए ऑर्थोडोंटिया ऑर्थो ये वर्ड तो इंडियन मेडिकल फील्ड में हमने कितनी बार सुना है ऑर्थोज स्ट्रेट एंड टूथ इज डॉन्टिया टीथ तो को स्ट्रेट करने का जो प्रोसीजर होता है दैट इज ऑर्थोडोंटिया नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीफिक्स प्रीफिक्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं और थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ जैसे कि वी राइट अ वर्ड आन ओरिजिनल वर्ड क्या था हमारा हैप्पी हापी से पहले हमने एक वर्ड को ऐड किया दैट इज और बाद में को जो बाद में ऐड किया उसको हम सफिक्स कहते हैं और जो पहले ऐड किया गया उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं तो इस कंसेप्ट को आप याद रखिए प्रीफिक्स और सफिक्स किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड में प्रिवेल कर रहे थे दैट वी विल डू नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स नोट मेकिंग की बात करते हैं पहले भी कर चुकी हूँ फिर से कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि नोट मेकिंग करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ा है तो आप भी शुरू कर दीजिए अगर अभी नहीं की है तो लिटरेचर के तो सभी टॉपिक के वीडियोस हैं ही प्लेस फिक्शन एटसेट्रा और उसके अलावा हिस्ट्री के भी अभी तक ऑलमोस्ट सेवेंटीन वीडियोज हो चुके हैं एंड कुछ वीडियोस और आएंगे क्योंकि टेंथ चैप्टर अभी चल रहा है एलेवेंथ चैप्टर एक ड्यू है तो कुछ वीडियोस अभी और आएंगे लेकिन आपके एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपको फोनेटिक्स कवर करवाने की भी पूरी पूरी कोशिश करूंगी एटलीस्ट इन एम फॉर्म और किसी फॉर्म में अगर टाइम की वजह से नहीं हो पाए तो एम सी क्यू डिटेल्ड एम सी क्यू की फॉर्म में मैं आपको फोनेटिक्स भी कवर करवा दूंगी लेकिन द कंडीशन इसकी आप नोट मेकिंग करिए अपनी डो नॉट ट्राई टू आस्क फ्रॉम हेयर एंड देयर किसी ने नोट्स बना लिए हैं क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपको खुद के नोट्स बनाने हैं आपने सारे वीडियोस देखे हैं सभी वीडियोस अवेलेबल हैं अलॉन्ग विद एम सी क्यू सेशन हर वीडियो का एक वीडियो है डिटेल में समरी के लिए और उसके बाद एक और एडिशनल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ जिसमें कि एम सी क्यूज डिस्कस करती हूँ और एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर आपका रेगुलर एमसी सेशन कंडक्ट किया जाता है almost daily. एक दे दिया जाता जाता है और उसका टेस्ट किया है है और उसका किया किया अभी भी नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप कर आप अभी भी अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहाँ पर रेगुलर एमसीक्यू सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं प्रीवियस डे पर आई गिव यू दीडियो की कौन से वीडियो से मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आप नोट मेकिंग करिए उस वीडियो की और उसके बाद अगले दिन टेस्ट के लिए अपीयर करिए प्ले लिस्ट हैं मैं आपको दोबारा याद दिला देती हूँ पोइट्री शॉर्ट स्टोरी प्ले नॉवल ऐसे हिस्ट्री की बन चुकी है फोनेटिक्स आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर इट फॉर यू एटलीस्ट हम एम सी क्यू फॉर्मेट में फोनेटिक्स को जरूर कवर करेंगे तो डू नॉट वरी अबाउट इट अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो अभी भी यू हैव ऑलमोस्ट अ मंथ टू प्रिपेयर फॉर इट आई होप कि बाकी टॉपिक्स की आप इंग्लिश की जनरल इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ही रहे हैं साथ साथ लिटरेचर की प्रैक्टिस को अब शुरू कर दीजिए अगर अभी तक भी नहीं की है तो लेकिन अब शुरू करके आपको बहुत ही रेग्यूलस प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी कोई और ऑप्शन नहीं है दिन में छः से सात घंटे सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर को देने पड़ेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे चैप्टर का ही पार्ट सेंचुरी सेंचुरी एंड आफ्टर और उसके बाद से क्या क्या प्रोग्रेस चल रही थी इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या क्या ऐसे फैक्टर्स थे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पैक्ट कर रहे थे और इंग्लिश लैंग्वेज किस तरीके से अपनी जगह बना रही थी पूरे ग्लोबलाइज्ड लेवल पर नो इन नेक्स्ट चैप्टर्स